तो पापा जी और मैं जा रहे हैं थोड़ा सा गांव घूम के आते हैं वैसे ही, और छतरी ले ली है पापा जी ने अपनी, कहीं भी बारिश हो सकती है, बरसात में कोई भरोसा नहीं बारिश का, तो सेफ साइड अपना छतरी साथ में ले चलो, और मैंने भी रख ली अपनी छतरी। ये शोर क्यों मचा रहे हैं बच्चे यहाँ पे हैं? अरे शोर क्यों मचा रहे हो, स्कूल है ये? तो आ गए यहाँ पे, कुत्ते से बच के जाना पड़ेगा। अच्छा काटेगा नहीं ये? अच्छा खड़ा हुआ है सही, भाग जा। ये वो बैठा खेत के अंदर गाय खा गई सब यहाँ पर, ये देखो ये सब खा गई। क्या खा रही? ये भी मक्का लगा रही है ना, मक्का खा रही, क्या खा रही है? ये है ज्वार बाजरा, ये सब खा गई है गाय। यहाँ पर भी धान काफी भी बड़े हुए नहीं है ज्यादा, मतलब बड़े तो हो गए अभी, काफी टाइम है लेकिन इनको कटने के लिए। सबसे लास्ट के लगे हुए हैं ये हैं? सांस ले लो थोड़ा सा रुक के। और ये क्या लगा हुआ इधर, ये क्या लगा हुआ इधर? मंडुआ क्या क्या लगा हुआ बताओ? ये वो तो मंडुआ था, ये क्या लगे हुए यहाँ पे सारा? अच्छा ये तो धान ही है, वो पीछे लगा हुआ था ना मंडुआ, तो धान है सारे ऊपर तक धान है। कुत्ता भी आ गया पीछे से, वो डॉगी आ गया, एक कुत्ता पीछे भी है उसमें। कुत्ते भागते रहते हैं। ये आ गया पीछे, रोज रोज आता है क्या यहाँ पर साथ साथ में ही? ऐसा रहता है ये बस इधर। अच्छा इधर आ, चल चल आ जा, आगे इधर आएगा, हमारे पीछे आएगा, पीछे आएगा थोड़ा। ये देखो घूम के आ रहे थोड़ा सा, तो यहाँ पे तो ट्रैक्टर वगैरह आ जाता होगा ना सारा खेत करने के लिए, ये सारी खेती ट्रैक्टरों से ही हो रही है, छोटे वाले वही जो हैंडी ट्रैक्टर आते हैं सब वही हैं, ये सारे सारे उन्हीं से हो रही है खेती यहाँ पे ट्रैक्टर से, छोटे वाले। चक्की की भी आवाज आ रही कहीं से, गाय इसका बच्चा है ये? नहीं तो गाय है, दो बच्चे हैं। इसका ये बच्चा हुआ ना, वो भी इसका बच्चा पीछे वाला, ये तो वो वाला है, ये तो अंदर वाले के बच्चे हैं। अच्छा बकरे वकरे भी रखे क्या है? बकरी मुर्गे कहाँ गए तुम्हारे? कोई भी मुर्गे नहीं है, मुर्गे हैं बस, दाजी सब
कहाँ है मुर्गे? ये देखो बांस सब नए कितने हो गए हैं? इतने कितने साल हो गए ये? बहुत ज्यादा हो गया ना। ये सब कहते हैं सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ जो होता है ना दुनिया में वो बांस का ही है। ये देखो ये पूरा बांस के पेड़ है सबसे तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना एकदम अंधेरा होगा नीचे बिल्कुल गुप्त अंधेरा। यहाँ लाइट जंगलों में होते हैं ना तो ऐसे जगह पूरा। यहाँ पर ये गेट क्यों बनाया हुआ है? यहाँ पे अच्छा भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर। हाँ भैरव बाबा का मंदिर है देखिए। ढोटियाल देवता है ये भैरव नहीं, वही तो कह रहा हूँ भैरव नहीं ढोटियाल देवता का मंदिर है। उसी के लिए यहाँ से स्टेयर बना रखी है ऊपर और वहाँ मंदिर है ऊपर जाके। यहाँ पर फूल कितने सारे लगे हुए हैं फूल ही फूल है। ये देखो अभी एक महीने का टाइम लगेगा अभी इसमें धान में अभी है ना। अक्टूबर से पहले पहले और वो अभी पहाड़ों के ऊपर से अभी कोहरा ही छटा हुआ ऊपर कितना कोहरा हो रहा वहाँ। यहाँ पे कोहरा लगा हुआ पहाड़ों पे। ये देखो लाइट मकान कुछ अलग ही टाइप का है ये पूरा डिजाइन वाला। इसके आगे बालकोनी भी रही होंगे ना वो सब हट गए होंगे वहां से पता नहीं। मैंने ये जंगला डाल दिया उसके चारों तरफ सेंटर डाल दिया। अभी शाम का टाइम है ना थोड़ा सा अंधेरा आ रहा बट वो भी अपने आप में अलग टाइप का व्यू आ रहा है। टावर के पास से यहाँ से बैठ कर ये देखो पूरे बाल आ गए हैं यहाँ पे इसमें चावल के जो धान के पेड़ हैं ये पूरे निकल चुके हैं इनके बाल। हाँ ये पूरे जो हैं सारे धान के पेड़ हैं सारे ही धान हैं जितना भी लगा हुआ देखो। और यहाँ पर कहीं कहीं जगह तो लोग पानी के लिए यहाँ पर कई जगह ट्यूबवेल भी लगी हुई ना बाबा यहाँ पर कहीं पे है ना ट्यूबवेल का पानी सही हुआ ना ये सारा यहाँ पे जो धान लगाए हुए एक ट्यूबवेल लगी हुई है वहाँ पर। हाँ तो ये सारे जो धान है यहाँ पर उसी वजह से। हाँ अच्छा नहर भी है सारे धान लगे हुए हैं ये और यहाँ पर पानी काफी हो जाता है तो इसलिए कितनी ज्यादा यहाँ पर पैदावार होती है धान के।
तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से मैं और पापा जी घूमते घूमते आए गांव के यहाँ तक, और इस गांव का नाम है करतिया गांव। और ये पहले भी मैंने इस जगह पर शूट किया हुआ है, अपनी नानी के गांव का जो मैंने एक व्लॉग बनाया था उस व्लॉग में मैंने ये दिखाया था थोड़ा बहुत यहाँ का पार्ट। तो ये जो खेत हैं ये बहुत ही यहाँ पर अच्छी फसल होती है, और अभी तो आजकल इसमें ये धान लगे हुए हैं आप जैसा कि देख ही रहे हो। तो यहाँ पर अब उसके बाद फिर गेहूं की फसल लगेगी यहाँ पर, और अभी शाम का टाइम है तो इसलिए लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और वैसे भी धूप तो आजकल बहुत ही कम आ रही है, यहाँ पर बादल ही लगे रहते हैं। और ये देखिए आप, तो पापा जी और मैं यहाँ तक घूमते हुए आए, और अब अंधेरा होने लगा है तो हम धीरे धीरे घर की तरफ वापस चलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी टाइम है नहीं ज़्यादा, अगर टाइम होता ज़्यादा तो थोड़ा और आगे तक जाते दिखाते आप लोगों को, बट अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो हम चलते हैं घर की तरफ। अब लाइट आ रही है अभी भी, है ना। अरे ये बच्चे लोग आ गए, कहाँ जा रहे हो हैं? मस्त है, दौड़ लगाने जा रहे हो? जाओ जाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, ये भी रह गए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ो, भागो 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 भागो, फोटो आ गई, भागो भागो, भागो। ये देखो सारे बच्चे खेल लेंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग, दौड़ते दौड़ते मस्ती में अपनी। वो फिर आ गए ये बच्चे, आराम से अबे गिरो मत, ये कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, ये देखो ये देखो इनकी रेस लगी हुई है, कौन आ गया होता है। अच्छा तो पहुंच गए हम लगभग घर के पास वापस। यहाँ पर एकदम अंधेरा है काफी, और यहाँ पे आराम से जाना पड़ेगा, नीचे फिसलन बहुत है। वीडियो चल रहा है, वीडियो नेट आ रहा है वहां पे ऊपर स्कूल के पास पुल पे। ये दोस्तों ये एक सड़क गई है, यहाँ से गाड़ी बैक करके लाते हैं हम ऊपर से यहाँ से, और ये रोड वही जो हमारे घर से आ रही है नीचे से, वही रोड है ये। गाय देख रही है आ गया कोई, चलो तो जी फाइनली पहुंच गए घर। वीडियो वहीं खत्म, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है उत्तराखंड की मेरे गांव की, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और जो लोग नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।